हम कल टॉपिक कर रहे थे टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। एक सारे बच्चे ना मेरी वीडियो को पिन कर लिया करो, वैसे मैं कर देती हूँ। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, पहला टेस्ट हमारा हो गया था, दैट इज द टोलन्स रिएजेंट टेस्ट। अब हमारा सेकंड टेस्ट है फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब बेटा फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में क्या है वो आप देखिए। व्हाट इज फैलिंग सॉल्यूशन? जो फैलिंग सॉल्यूशन है इट इज ऑल्सो, साथ साथ लिख लें, इट इज ऑल्सो ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज ऑल्सो ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड पॉइंट, इट ऑक्सीडाइजेज ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड। ये सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करते हैं? एलिफैटिक एल्डिहाइड को इनटू एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। अटेंडेंस आपकी यही चाहिए, भीम सर के पास बता दिए मैंने, जो भी बच्चे क्लास में नहीं है। इट ऑक्सीडाइज ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड इनटू एसिडिक सॉल्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड, या आप कह सकते हो एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। अगर आपको इससे पहले का टेस्ट याद हो तो उस पहले के टेस्ट में क्या था बेटा? सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों ही टोलन टेस्ट देती थी, बस कीटोन ही नहीं दिया था। लेकिन जो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है ये सिर्फ कौन देती है? एलिफेटिक एल्डिहाइड, ना एरोमेटिक एल्डिहाइड देगा और ना कीटोन देगा। ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, काम इसका भी सेम है कि एल्डिहाइड को एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट करता है। इट ऑल्सो कन्वर्ट एल्डिहाइड इंटू एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। अब बेटा आगे देखो, इसके बाद जो ये फैलिंग सॉल्यूशन है ना, ये दो का मिक्सचर होता है। फैलिंग सॉल्यूशन जो है वो दो का मिक्सचर होता है, एक तो होता है फैलिंग सॉल्यूशन ए, ठीक है, और एक हमारा होता है फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी, अब हमें ये पढ़ना है फैलिंग सॉल्यूशन ए किसका बना है और फैलिंग सॉल्यूशन बी किसका बना है। देखिए ध्यान से, ये आप कर देती हो गया होगा आप लोगों का। तो पहला आप देखिए फैलिंग सॉल्यूशन ए, फैलिंग सॉल्यूशन ए, फैलिंग सॉल्यूशन ए किसका बना हुआ है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। फैलिंग सॉल्यूशन ए बना हुआ है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का, ओके। और अगर हम नेक्स्ट बात करें फैलिंग सॉल्यूशन बी की, फैलिंग सॉल्यूशन बी, तो फैलिंग सॉल्यूशन बी होता है रोसेल साल्ट, आर ओ सी एच ई डबल एल ई, रोसेल साल्ट, ठीक है। रोसेल साल्ट का मतलब हुआ बेटा सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। रोसेल साल्ट होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, या आप लोग कर ले, इनका मिक्सचर है फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी का, ठीक है। जल्दी करें बेटा, वेरी गुड।
दोनों लिख लिया आपने, फैलिंग सॉल्यूशन ए बना होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का, और फैलिंग सॉल्यूशन बी बना होता है रोसेल साल्ट का, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का। ठीक है, इतना आप लोग लिख लें। अब इसके बाद इसका प्रोसीजर क्या होगा, दीपक है क्लास में? दीपक, दीपक नहीं है, ओके। इसके बाद कीजिए बेटा आगे प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर है, सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में हमने गिवन कंपाउंड डाला, टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, गिवन कंपाउंड, फिर हमने उसमें डाला, गिवन कंपाउंड डालने के बाद आप डालेंगे फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड देन आप डालेंगे फैलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, गिवन कंपाउंड में आप डालेंगे फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी, ओके, ये दोनों आप इसमें डाल देंगे। जो भी कंपाउंड आपको दिया है, जिसका आपको पता करना है ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो उसका पता हम कैसे करेंगे? हेलो हेलो, ठीक है, तो देखिए बेटा आगे आपने गिवन कंपाउंड में क्या डाला, फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी डाला। अब ये डालने के बाद अगर रेड ब्राउन पीपीटी आती है, इफ रेड ब्राउन पीपीटी कम्स, अगर रेड ब्राउन पीपीटी आते हैं, रेड ब्राउन पीपीटी आएंगे किसके, Cu2O के, किसके आएंगे, Cu2O के, तब तो कंपाउंड है एल्डिहाइड, देन कंपाउंड इज एलिफेटिक एल्डिहाइड। अगर रेड ब्राउन कलर के पीपीटी आ जाते हैं Cu2O के, तो फिर कंपाउंड कैसा है आपका, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। लेकिन अगर रेड ब्राउन पीपीटी नहीं आते हैं तो फिर आपका कंपाउंड एरोमेटिक एल्डिहाइड है, या आप ये कह सकते हो दैट इज द कीटोन। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फैलिंग सॉल्यूशन दो का मिक्सचर होता है, फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी का, दोनों आपको लैब में मिलेंगे, प्रैक्टिकल का सिलेबस भी ये है। आपको कोई भी कंपाउंड दिया है, पता करना है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो आपको उस टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड डालना है, फिर फैलिंग सॉल्यूशन ए डालोगे, फिर फैलिंग सॉल्यूशन बी डालोगे। ये सब डालने के बाद अगर रेड ब्राउन पीपीटी आते हैं Cu2O के, तब तो वो कंपाउंड एलिफेटिक एल्डिहाइड है, और अगर रेड ब्राउन पीपीटी नहीं आते हैं तो फिर वो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है या कीटोन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको करना है। अब इसके बाद आगे आप देखिए, नेक्स्ट है हमारा इसकी रिएक्शन, इसको रब कर देती हूँ, और लास्ट में अब इसकी रिएक्शन देखो। हमने कोई भी एल्डिहाइड ली, आपको पता है एल्डिहाइड क्या होता है, आर सी एच ओ, बट ये एल्डिहाइड होनी चाहिए एलिफेटिक। हमने ये एलिफेटिक एल्डिहाइड ली, प्लस फिर हमने इसमें डाला, फिर हम इसमें डाल रहे हैं फैलिंग सॉल्यूशन ए। अब अभी मैंने आपको बताया था फैलिंग सॉल्यूशन ए किसका बना होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब फैलिंग सॉल्यूशन ए बना होता है सी यू टू पॉजिटिव आयन का, फैलिंग सॉल्यूशन ए बना है सी यू टू पॉजिटिव आयन का। ठीक है, इसके बाद फैलिंग सॉल्यूशन बी है सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, उससे हम सिर्फ OH नेगेटिव आयन लेंगे। ये आया फैलिंग सॉल्यूशन ए से और ये आया फैलिंग सॉल्यूशन बी से, बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 मोल आपको इसके लेने हैं, 5 मोल इसके लेने हैं। ठीक है, अब बनेगा क्या, आप देखिए एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये फैलिंग सॉल्यूशन ए है, ये फैलिंग सॉल्यूशन बी है, ओके, दीज आर द फैलिंग सॉल्यूशंस ए एंड बी। अब जो ये एल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक, सॉरी एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट होगी, ये आंसर आएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, एच अटके क्या आ गया, ओ नेगेटिव, एच अटके क्या आ गया, ओ नेगेटिव। देखो आपका चार्ज बैलेंस हो गया, यहाँ पे 5 नेगेटिव है, यहाँ पे 2 पूछा, 4 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, कितना नेगेटिव बचा, एक ही नेगेटिव बचा, आया समझ में, तो ये एक नेगेटिव यहाँ पे बच गया, प्लस में क्या निकल गया, Cu2O रेड ब्राउन पीपीटी, रेड ब्राउन पीपीटी। ठीक है, प्लस में क्या निकल गया बेटा, 2 मोल ऑफ H2O, 3 मोल ऑफ H2 हो गया बैलेंस।
तो ये आपकी रिएक्शन है फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की। ओके, इस तरह से आपको करनी है, समझ में आगे होगी। फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी का मिक्सचर लेना है और मिक्सचर लेने के बाद हमें इस तरह से उनकी रिएक्शन करवानी है, ठीक है। हिमांशु है क्लास में? इसके बाद एक क्वेश्चन देती हूँ, वो आप लोग करेंगे। नो मैम। हिमांशु नहीं है ना, मैंने देख लिया बेटा। हाँ, एक क्वेश्चन है वो आप लोग करें सभी। ये क्वेश्चन है, डिस्टिंग्यूज एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, इन दोनों में रिएक्शन लिख के करके दिखाओ। चलो, एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, इन दोनों की रिएक्शन करें आप। जल्दी करें बेटा, वेरी गुड। इसकी रिएक्शन आप लोग करें, कैसे होगी? हो गया होगा? तो अब देखिए इसकी रिएक्शन में बता देती हूँ आप लोगों को, मैं इसी में चेंज करूंगी बस। एसिटल्डिहाइड क्या होता है? CH3CH, इसका नाम होता है इथेनॉल। कॉमन नेम क्या है इसका? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में हमने क्या डाला? फैलिंग सॉल्यूशन डाला, तो यहाँ पे क्या होगा? R की जगह क्या आ जाएगा? CH3। बस अब ये एलिफेटिक एल्डिहाइड थी ना, तो ये फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को देगी, तो ये रिएक्शन आपकी किसकी होगी? तो आप ये कहोगे भाई एसिटल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो जो एलिफेटिक एल्डिहाइड आपकी है वो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगी, लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है दैट डू नॉट गिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फिर आप रिएक्शन करोगे, पहले आपने एलिफेटिक एल्डिहाइड ली, इसमें डाला फैलिंग सॉल्यूशन, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी, रेड ब्राउन पीपीटी फॉर्म होंगे, CO2। ओके, बट जब आप एरोमेटिक एल्डिहाइड लोगे ना, तो वहां पे पीपीटी की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शन आपने कर ली होगी। अब मैं इसी को बना देती हूँ बेंजल्डिहाइड। अब ये क्या बन गया भाई? बेंजीन पे CHO हो गया, अब ये बन गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और बेंजल्डिहाइड में आपने क्या डाल दिया? फैलिंग सोल्यूशन ए एंड बी, और इस बार आपका आंसर होगा नो रिएक्शन। इस बार आपका आंसर होगा नो रिएक्शन, कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है दैट डू नॉट गिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा बेटा। इस तरह से आपको यूज करना है टोलरेंस रिएजेंट का और फैलिंग सॉल्यूशन का। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका शुरू कर रही हूँ, ये हो गया होगा तीसरा टेस्ट आपका, केमिकल टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन ही हमारा चल रहा है। अब थर्ड टेस्ट है आयोडोफोन टेस्ट, आयोडोफोन टेस्ट, या इसी को बोलते हैं हेलोफोन टेस्ट। आयोडोफोन टेस्ट और हेलोफोन टेस्ट, ठीक है। तो अब जो ये आयोडोफोम या हेलोफोम टेस्ट है, ये कौन देता है? तो बेटा इसकी एक स्पेसिफिक पहचान है, जिस कंपाउंड के पास ये ग्रुप होगा, आपको ध्यान हो आयोडोफोम टेस्ट एल्कोहल भी देती थी, और आयोडोफोम टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन भी देते हैं। एल्कोहल में कौन दिया करता आयोडोफोम टेस्ट? जिसके पास ये ग्रुप था, ठीक है बेटा। एल्कोहल में जिस कंपाउंड के पास ये ग्रुप था वो आयोडोफोन टेस्ट देता था, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में जिस कंपाउंड के पास ये ग्रुप है वो ये टेस्ट देगा, ठीक है। अब ये टेस्ट कैसे देगा वो आप लोग देखिए। तो ये हमने लिया CH3CO, ओके। अब क्या होगा देखिए, रिएक्शन करते हैं, बड़ा आसान है। मान लीजिए मैंने लिया डिस्टिंग्यूज इथेनॉल एंड मीथेन,
डिस्टिंग्यूज इथेनल एंड मिथेनल, ये एक क्वेश्चन है। तो हमने इथेनल बनाया, इथेनल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO, इट इज इथेनल। तो आप ये देखो जो ये कंपाउंड बना है इथेनल, इसमें ये वाला ग्रुप है या नहीं है, देख के बता, आपको समझ में आ रहा होगा, जो ये इथेनल है इसमें ये ग्रुप है ना CH3CO, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये क्या देगा बेटा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। अब कैसे देगा वो आप सुनो, तो आप इसमें डालेंगे 3 मोल ऑफ I2 आयोडीन और इसको हीट कर देंगे। आपने इसमें आयोडीन डाला और इसको हीट कर दिया, ठीक है। आयोडीन डाल के हीट करने पर क्या होगा, जो इस कार्बन के पास तीनों हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा। अंकित मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज दियो, CH3 ध्यान रखना, जो ये CHO है ना इसका नेक्स्ट कार्बन, CHO का नेक्स्ट कार्बन ये है, इस कार्बन पे कितनी H है, 3 H है, तीनों में यहां से क्या हटा दू H और बदले में 3 यहाँ पे क्या जोड़ दू I, मतलब देखो मैंने इसको बना दिया CI3CHO, हमने क्या बना दिया इसको CI3CHO, मींस तीनों H हटा दी और बदले में तीनों I मैंने यहाँ पे जोड़ दी, प्लस में क्या निकल गया 3 मोल ऑफ H है। यहाँ टोटल 6 I आपकी थी, 3 I तो यहाँ पे आ गई, बची हुई 3 यहाँ पे आयोडीन और 3 यहाँ से H निकले हैं, प्लस में क्या निकल गया 3 मोल ऑफ HN। तो पहले रिएक्शन में ये बढ़ा, पहले स्टेप में CH3 से क्या बढ़ गया CI3CHO, ठीक है। अब इसकी आप सेकंड स्टेप देखो, यहाँ पर मैंने लिख लिया CI3CHO, जो ये कंपाउंड बना वो लिख लिया CI3CHO, ठीक है। और इसमें मैंने अब ऐड करवा दिया NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करवा दिया NaOH। तो अब क्या होगा देखो बेटा, यहां से तो ये CI3 और यहां से ये H, यहां से CI3 और यहां से ये H, ये बन गया CHI3। आपको पता है दीज आर द येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म, CHI3 क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म, प्लस में हमने क्या निकाल दिया देखो, यहां पर C एक H और एक O, इस पे ये O N A और जुड़ जाएगा, मतलब प्लस में ये निकल गया HCOONA, प्लस में क्या निकल गया HCOONA। आप देखिए पूरा बैलेंस है, इसका नाम क्या होता है HCOONA का, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट HCOONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये आप लोग कर ले बेटा, ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट या हैलोफॉर्म टेस्ट की रिएक्शन हुई। हाँ भी समझ में आई रिएक्शन आपको, यस नो में जवाब दो सारे, बोलो बेटा यस मैम। ओके तो बेटा yes, आप मिथेनल के लिए क्या करोगे, मिथेनल के लिए, मिथेनल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, मैं इसी में चेंज कर दूं, बताओ ये हो गया तुम्हारा, बोलो बेटा Yes, ठीक है। तो मैं इसी में चेंज कर रही हूँ, सारा रब कर देती हूँ, ठीक है। यहां मैंने मिथेनल कर दिया, मिथेनल क्या होता है HCHO, इट इज मिथेनल। अब मिथेनल में डाला I2 और यहीं पे डाल लेती हूँ NaOH, मिथेनल में I2 डाला और NaOH और आंसर लिख दो नो रिएक्शन या नो पीपीटी। मिथेनल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, क्यों नहीं देता, क्योंकि मिथेनल के पास ये ग्रुप ही नहीं है CH3CO, ठीक है। आ गया समझ में, बोलो भाई। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सभी करेंगे ये क्वेश्चन, तुम लोग करो, डिस्टिंग्यूज एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। आज आप लोगों का एक टेस्ट भी है, ठीक है, 12 बजे एक्टिव होगा, ओके, सब फटाफट से कर देना, 12 बजे एक्टिव होगा बेटा कैंपस प्रोपे। डिस्टिंग्यूज एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, ये क्वेश्चन आप लोग करें, मुझे कोई बताएगा इन दोनों को कैसे डिस्टिंक्शन करवाओगे, फिर मैं नाम लू इससे बेटर आप लोग खुद बताएं। एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन का डिस्टिंक्शन करो किसी केमिकल टेस्ट से, तो कोई बताना चाहेगा क्या आएगा। वेरी गुड बेटा, आप लोगों को स्ट्रक्चर आता,
हाँ भी दिखाई दे रहा है अभी? तो अब ये क्वेश्चन करो सभी, डिस्टिंग्यूज एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, ठीक है, कैसे होगा करिए बेटा। तो आपको पता होगा एसिटोफिनोन होता है बेंजीन पे COCH3, ये तो है एसिटोफिनोन बेंजीन पे COCH3, और बेंजोफिनोन क्या होता है, दो बेंजीन के बीच में CO, दो बेंजीन के बीच में CO, इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनोन, ठीक है। ये एसिटोफिनोन है, ये बेंजोफिनोन है, बताओ किस केमिकल टेस्ट से इनका डिस्टिंक्शन करोगे? अब तो आपको हिंट मिल गया होगा, वेरी गुड, बताओ बेटा एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन किस केमिकल टेस्ट से होगा इनका डिस्टिंक्शन? आयोडोफोन टेस्ट। हाँ जी, आयोडोफोन टेस्ट, कौन सा देगा? एसिटोफिनोन। क्यों देगा? क्योंकि इसके पास ये ग्रुप है COCH3, तो कर दे प्लस में 3 mole of I2, इसको पहले हीट किया, तो ये CO के पास वाले जो तीनों एच है ना वो हटती है, यहां से तीनों एच हटके ये CO यहां आ गया Si3, तीनों एच हटी और तीनों आई यहां पे आ चुकी है, ठीक है, हो गया। साथ में माइनस कर दो 3 mole of HI, माइनस हो गया 3 mole of HI, प्लस अब मैंने यहां पे लिया NaOH, क्या लिया NaOH, तो आपको पता है क्या बनेगा, यहां से Si3 और यहां से ये H, ये निकल गया CHI3 आयोडोफोम के येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफोम, प्लस में क्या निकल गया, ये बेंजीन, बेंजीन पे क्या बच गया CO और यहां क्या आ गया ONA, बेंजीन पे क्या बच गया COONA बच गया, ठीक है, कर लोगे? ऐसे करना है बेटा। तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ एल्डिहाइड कीटोन का, कुछ रिएक्शंस वगैरह एक दो और यहाँ पे रहती है वो और कर लेते हैं, काफी बड़ा चैप्टर है बेटा ये, सारे केमिकल टेस्ट आप लोगों को करवा दिए हैं, अब इसके बाद हेडिंग डाल लो रिडक्शन, अब आप लोग हेडिंग डालें रिडक्शन, केमिकल टेस्ट का टॉपिक आप लोगों का पूरा हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था इन सभी में, अब आप लोग हेडिंग डाल लें रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये आपको पता है जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगी, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे प्राइमरी एल्कोहल बनेगी, कीटोन का रिडक्शन करोगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगी, एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल एंड कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेम है आपका हमेशा जो करते हैं हम, प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 NaBH4, प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 या NaBH4, यहां पर सिंपली H2 की एडिशन कर दो इन प्रेजेंस ऑफ, या आप सिंपली यहां पे एडिशन कर सकते हो H2 की इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम और पैलेडियम, इन सभी का काम रिडक्शन का होता है, ठीक है, एल्डिहाइड को प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, कीटोन को सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, साथ में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम या पैलेडियम। एग्जाम्पल बड़े आसान है, पहला एग्जाम्पल मैंने मान लो ये लिया CH3CHO, ठीक है, प्लस मैंने ऐड किया इसमें H2, प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम, बताओ क्या होगा, दो एच ऐड होगी, एक तो इस C के पास और एक इस O के पास, क्या बन जाएगा CH3CH2, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया OH, दो एच हमने ऐड कर दी, एक इस C के पास आ गया, आ गया यहाँ भी डबल बॉन्ड सिंगल हो गया और एक एच इस O के पास, आप देखिए कैसी एल्कोहल बनी एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल बनी, ठीक है। अब कीटोन का एग्जांपल आप ले लो, तो ये मैंने कीटोन ले लिया प्रोपेनोन, ओके, और कीटोन का मैंने कंडीशन यहाँ पे डाल दी LiAlH4,
अभी एक क्लास और लूंगी और उस क्लास में आगे टॉपिक को पढ़ाऊंगी कंटिन्यू, तो सभी बच्चों को जुड़ना है, टॉपिक ही कंटिन्यू होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी, सिर्फ टॉपिक। LiAnH4 हमने लिख दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसका भी काम क्या है, ये भी रिडक्शन ही करवाएगा। इससे भी रिडक्शन होगी, तो टोटल आप दो हाइड्रोजन ऐड करोगे, एक हाइड्रोजन तो इस सी के पास और एक हाइड्रोजन इस ओ के पास, क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ क्या आ गया H, आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड हुई है, एक इस कार्बन के पास और एक इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है, दो ही ऐड हुई है ना। और इस बार कैसी अल्कोहल बनी है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो एल्डिहाइड लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, और अगर आप कीटोन लेते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसका इसका आंसर आप लोग लिखना। मान लो ये कंपाउंड है, इसका नाम डाई साइक्लो बेंजीन नहीं है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, डाई साइक्लो हेक्साइल कीटोन, डाई साइक्लो हेक्साइल कीटोन, ठीक है। आप इसमें मैंने कंडीशन डाल दी LiAlH4, तो आप लोग लिखे इसका आंसर क्या होगा, वेरी गुड बेटा करो, इसका आंसर क्या होगा आप लोग लिखे, डाई साइक्लो हेक्साइल कीटोन है, वेरी गुड बेटा, हो गया होगा, कितनी एच ऐड होगी, दो हाइड्रोजन ऐड होगी, ये बन जाएगा CH दो एच ऐड कर दी, एक तो इस सी के पास और एक ही से ओ के पास, ठीक है। डाई साइक्लो हेक्साइल कीटोन से क्या बन गया, डाई साइक्लो हेक्साइल अल्कोहल, डाई साइक्लो हेक्साइल अल्कोहल बन गया डाई साइक्लो हेक्साइल कीटोन से, तो ये आपका टॉपिक हुआ रिडक्शन का। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं ले रही हूँ, रिडक्शन का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मान लीजिए मैंने ये लिया, सब ध्यान से करना है इसको, CH3CH2CO CH2COOCH3, ऐसा मैंने एक कंपाउंड लिया, लिख लें इसको, इसमें दो फंक्शन ग्रुप है, एक तो ये CO कीटोन और एक ये COO एस्टर, देयर आर द, हाँ बेटा तमन्ना बोलिए, एक कीटोन है और एक एस्टर है, ठीक है, कीटोन होगा CO, एस्टर होगा COO। अब मैंने यहां पे कंडीशन दी, एक में लिखा NaBH4 और एक में मैंने लिखा LiAlH4, ठीक है, एक में NaBH4 लिया, एक में LiAlH4 लिया, तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, जो NaBH4 है वो तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और जो LiAlH4 है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो जल्दी क्या करेगा, रिड्यूस नहीं कर पाएगा एस्टर ग्रुप को, लेकिन अगर LiAlH4 लोगे तो वो दोनों को रिड्यूस कर देगा, कीटोन को भी और एस्टर को भी, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। जो LiAlH4 है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये यहाँ पर रिड्यूस कर देगा कीटोन ग्रुप को भी और एस्टर ग्रुप को भी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा आप लोग देखिए, CH3CH2 रिड्यूस, कीटोन ग्रुप तो होगा ही होगा, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, एक एच तो ओ के पास आ गया और एक एच सी के पास ही आ गई, दो एच आई ना, एक कार्बन के पास एक ऑक्सीजन के पास, आगे बोलो CH2, ठीक है, क्या आएगा बेटा CH2। अब होगा क्या, साथ में ये सी लिखो, इस सी पे एक ओ और तीन एच जुड़ेगी, प्लस में ये वाला CH3, एक ये वाली ओ और एक ये एच, क्या निकल गया CH3OH। आप बेटा देखो, मैं इसको मिटा देती हूँ, और यहां से इस बॉन्ड का यहां से क्लीवेज हो गया, ठीक है, ये सी ओ था ना, सी के पास एक ओ और तीन एच यहाँ पे आ गई है, प्लस में क्या निकल गया, ये वाला CH3, ये एक ओ और एक एच रिडक्शन से आया, मतलब जब एस्टर रिड्यूस होगा तो अल्कोहल का मिक्सचर बनेगा, और कीटोन भी किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो जब आपने LiAlH4 लिया तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूस कर देगा अल्कोहल को भी और साथ साथ ही बेटा कीटोन को भी और एस्टर को भी। लेकिन जब आप लोग ये लेंगे NaBH4
तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, देखिए NaBH4 एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस कर देगा सिर्फ किसको, कीटोन को, कीटोन को तो इसने भी क्या बना दिया एल्कोहल, लेकिन एस्टर में ये कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। आप लोग खुद देख लो बेटा, यहाँ पर जो एस्टर था हमारा COOCH3, वो एस्टर हमारा एजिटीजर कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो कीटोन ग्रुप था वो किसमें कन्वर्ट हो गया एल्कोहल में। तो ये बात आप लोग माइंड में बैठा लें कि जो NaBH4 होता है दैट इज द वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूस कर देगा कीटोन को बट एस्टर को नहीं करेगा, ठीक है। अभी बेटा मैं आपके पास एक लिंक और भेज रही हूँ, फटाफट से क्लास में ज्वाइन हो जाना।